अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ वकार अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ बजेज प्लांट में। और साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बजेज का बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बजेज ब्रीडिंग कंडीशन के बारे में होगा। ये जब ब्रीडिंग पे आते हैं तो आपको कैसे पता चले कि इनका जो है ब्रीडिंग पीरियड स्टार्ट है, सो इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जब ये ब्रीडिंग पे आते हैं तो वो जो मेल और फीमेल होता है वो एक दूसरे के साथ दाना बदली करते हैं, एक दूसरे को जो है किसिंग करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जैसे ये बजीज बैठा है, एक दूसरे को किसिंग करेंगे, दाना बदली करेंगे और जो है मेल जो है फीमेल के पीछे भागेगा और जो फीमेल जो बार बार जो हांडी में झांकेगी, हांडी को देखेगी और झांकेगी, फिर बाहर निकल आएगी, फिर झांकेगी, फिर बाहर निकल आएगी। और जो फीमेल का जो नोज़ होगा वो नोज़ ब्रीडिंग कंडीशन के दौरान वो जो है ब्राउन कलर का हो जाएगा। वैसे जो फीमेल का जो है कलर नोज़ का होता है वो वाइट कलर का होता है। और जब ये ब्रीडिंग पे आते हैं तो उनका जो कलर है नोज़ का वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। सो इससे भी आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि ये ब्रीडिंग पर आए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये अगर ब्रीडिंग पे आए हों तो ये एक दूसरे को जाए सर खो जाएंगे या दाना बदली करेंगे, किसिंग करेंगे। सो इससे आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जो ब्रीडिंग पीरियड स्टार्ट है। सो ब्रीडिंग पीरियड में जो है आपने इनको जो है सॉफ्टवुड वगैरह देना है, वाइटमिन वगैरह इनको ज़रूर देनी है। वो वाइटमिन अगर आप देंगे तो जो ये अंडे ले करेंगे तो वो फर्टाइल ले करेंगे, ठीक है। सो ब्रीडिंग कंडीशन के दौरान, और ब्रीडिंग कंडीशन के दौरान आपने इनको छेड़ना वगैरह नहीं है, इनको छोड़ देना है, इनको प्राइवेसी देनी है ताकि ये अच्छी तरह इत्मीनान से वो अंडे ले कर सकें, ठीक है। और जो ब्रीडिंग कंडीशन के दौरान फीमेल जो है अंदर हांडी में झाँकेगी और फिर बाहर निकल आएगी, हांडी में झाँकेगी फिर बाहर निकल आएगी, वो तसल्ली करेगी कि हांडी के अंदर कुछ है तो नहीं, अगर मैं यहाँ अंडे दूँ तो मेरे अंडे कोई जो है खा तो नहीं जाएगा, जैसे कोई सांप या कोई इंसेक्ट वो मेरे अंडे तो खा नहीं जाएगा। जब वो तसल्ली कर लेती है दो तीन दिन में अच्छी तरह, फिर वो जो है फिर फीमेल जाती है तो कभी मेल जाता है अंदर, तसल्ली करते हैं दोनों। तसल्ली जब उनको हो जाती है तो वो जो है मेटिंग के बाद जो है 8-10 दिन के बाद वो अंडे ले कर देते हैं। और उसके जो है 8-10 दिन बाद वो जो है बच्चे भी दे देते हैं, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा इनकी ब्रीडिंग कंडीशन का। तो मैंने आपको बताया ब्रीडिंग कंडीशन इनकी कैसे होती है और इनके सिम्टम क्या हैं, कि आपको वैसे पता चले कि ये ब्रीडिंग पे आए हुए हैं। सो मैंने आपको बताया। सो ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गाँव में याद फी अमानिल्ला।